डियर फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर आप ये नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, अप्लाइड मैकेनिक्स उसमें देखिए, अप्लाइड मैकेनिक्स आपको मिलेगा। और अप्लाइड मैकेनिक्स मैंने पूरे चैप्टर को, उसका दूसरा नाम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है, कई जगह पे कई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोला जाता है, कई जगह पे अप्लाइड मैकेनिक्स है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अप्लाइड मैकेनिक्स देखिए मेरे चैनल पे, और आशा करता हूँ आपको पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजा है तो आपके ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ टू फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर वो एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, रिजल्टिंग बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इफ एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे दो फोर्सेस हैं जो साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो फोर्सेस मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, देखिए ये दो फोर्सेस बना लिया, इनके बीच का एंगल देखिए 45 डिग्री बोल दिया है, ठीक है, एक 100 न्यूटन का है, मान लो ये Q मैंने मान लिया, और P जो दिया है 150 न्यूटन, हमेशा P जो बड़े वाले वैल्यू लेके करने का, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का, और वो क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये वैल्यू वहां पे पुट कर देना है, सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल। पी की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट कर दो, 150 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 × 150 × 100 कॉस 45 डिग्री, 45 दिया है तो 45 लिख देंगे। अभी इसका कैलकुलेशन करना है तो सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। आपने क्या कर देना है, 150 कर देना है, और ये क्लिक करोगे ये वाला बटन एक्स स्क्वायर जो लिखा है तो उस पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस करो 100 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस, अभी यहां पे देखो 2 × है ना, तो इसको ब्रैकेट में कर लो तो बेटर रहेगा, 2 × 150 × 100 कॉस 45 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल कर दो, कि ये सारा कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आ गई। तो ये तो अंडर रूट में है, रूट से बाहर निकालना है, तो ये रूट वाला जो सिंबल है उस पर क्लिक करो, फिर बाद में आंसर क्लिक करो, फिर बाद में इक्वल क्लिक करो, ठीक है, ये क्लिक करने पे आपका आंसर आ जाएगा, और वो आया है 231.76 आंसर आ गया, 231.76 न्यूटन में है तो न्यूटन में रिजल्टेंट आ गया वैल्यू। अभी इसका डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है, टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए क्यू की वैल्यू 100, साइन थीटा मतलब 45 डिग्री, अपन पी की वैल्यू 150 प्लस 100 कॉस 45 डिग्री, टेन अल्फा की वैल्यू देखो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो नीचे वाला कर लो जो लिखा है 150 × 100 कॉस 45, इजी रहेगा, 150 प्लस 100 कॉस 45, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद से बाकी और कुछ प्लस माइनस नहीं दबाना, आपको ऊपर लिखना है 100 साइन 45 डिवाइड बाय आंसर कर देना, इक्वल कर देना है, तो आपकी ये 10 अल्फा की वैल्यू आई है, और वो कितनी आई, 0.320, वो वैसे ही रहने देंगे, 0.3 है, यहाँ पे कर देते हैं 0.32037 है, ऐसे कुछ है वैल्यू है। तो अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, 10 इनवर्स करेंगे, और जो वैल्यू है वो ऐसे वैल्यू करेंगे। अभी 10 इनवर्स कैसे करना है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि शिफ्ट दबाओ और 10 दबा दो, 10 इनवर्स आ गया, आंसर क्लिक कर दो, मतलब ये जो नीचे आपकी वैल्यू दिख रही है, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये यहां पर आ गई है, मतलब 10 इनवर्स ये वैल्यू आ जाएगी, इक्वल क्लिक करेंगे जैसे, तो आपका आंसर डिग्री में आ गया। डिग्री में चाहिए तो ये वाला बटन को क्लिक करिए, आपको दिखा देगा 17 डिग्री 45 मिनट, 17 डिग्री 45 मिनट ये अल्फा की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही इजी वे है, बहुत ही इजी सिस्टम तरीके से मैं बता रहा हूं कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस भेजे थे, उनको डाउट था, तो ये इस तरीके से डाउट अब क्लियर कर दें। मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करते रहिए। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पहले तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो आराम से देखिए, बहुत ज्यादा मिनट के नहीं है, छोटे छोटे वीडियोज हैं और फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाया है। आप देखोगे दो एक बार देख लो, नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके भेज दो, मैं नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल करा दे दूंगा। कुछ मिनिमम चार्ज आप पे कर सकते हो और वो नोट्स भी थियरी के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल की आपके टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो आप जरूर भेजिए ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।